बहुलाल जी बैठो आगे भाई जी, बह हो रही हमारे, रुक गए तो बह रहे बहुलाल जी जीवता है अब तक। मन्ने कोनी के बोरलाल जी जीव तो अरे मुर्गियों में बोल दूंगा वोट दे। हम इधर मीटिंग में युवा कोनी है, हम बहुत जोश है। इधर देखो कोनी एक आइडन पहलवान को सरपंच ने बार काटो के शाला का बोको करियो। कौन सी भी पार्टी कराए पर विकास का नाम है तो अशोक पिंचा है। इस गांव में विकास का नाम है तो अशोक पिंचा ही है। आरएलपी का सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है जोरों शोरों गाँव गाँव में रैली निकाल रहे। अबको के माहौल है इसी गाँव में। रजी रोते रजी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी, आप देखना शुरू कर चुके हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों आप सभी परिचित हो कि सरदार शहर में उपचुनाव चल रहे हैं और नेता गांव-गांव में ढाणे-ढाणे में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दमखम दिखा रहे हैं। आज यहां पर कांग्रेस की जनसभा थी और अभी हम यहां पर पहुंचे हैं तो यहां पर कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ जनसभा में और क्या चुनावी रुझान है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। गाँव भोजासर बड़ा में छोटा गाँव भोजासर छोटा में तो कुछ युवा है यहाँ पर और चर्चा भी कर रहे हैं, इनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। राम राम। राम राम भाई। के नाम आपनो? भागीरथ भारती। अच्छा, के चर्चा कर रहे हैं फिलहाल में? चुनाव की चल रही चर्चा। के चर्चा चल रही है? के माहौल चल रही है अपने गांव में? चुनाव में बढ़िया माहौल चल रही है। माहौल चल रही है? अशोक जी पिंचा। अशोक जी पिंचा, कांग्रेस अट जनसभा करके गए, आंख बीच में कितना फर्क पड़ेगा? के कुछ फर्क कौन पड़े? के गाँव को ऊपर को माहौल की है तो पिंचन जीताणु है। पिंचन निकलो गांव में, गांव में कौन निकलो गांव में? जीता दी भाई जी, अब कलो पांच बार तो लारे, चार बार तो अशोक जी ने जीता दियो। और ओ वोट तो देवांगा मैं दद्दन ने मान के देशा 16,000 तो वोट दद्दन पहली जीतड़ो है। अगर 16,000 सो मिल सिंद भाई अनिल जी का 100 ही वोट मान छा मैं। ई अ पंचायत, ई पंचायत का मायने तो मीडिया वाला हो चाहे कोई आओ, वाह पंचायत तो दादा का नाम मैं तो बस समझा दी दिया, वोट को दिया, वोट को दिया मैं तो दादा का नाम बा वो के कह रहे सरदान जी है आ कान के तक आ कान जानत कान लकड़ से ले रहे के को के कैमरा मैं आ थे बता दियो आ जाओ देखो मारे गांव में हूं तो देखो सरदार साहब तहसील में तो 20,000 वोट हूं अनिल शर्मा की जीत है सब। अरे गांव गांव नहीं सरदार साहब तहसील 20,000 वोट अनिल शर्मा मारे देखो मारे गांव में सब मारो गांव में शुद्ध बहुत है मारे गांव में शुद्ध बहुत है मारे गांव में एक ही समस्या है कि स्कूल है आ देखो बारहवीं स्कूल है माने 17 मास्टर आज कम 7 मास्टर उठ गया तो अब हेडमास्टर आम आदमी में हेडमास्टर है कि स्कूल में अबे थे आके दियो अब हेडमास्टर है कि अपनी स्कूल में बताओ मोरलाल जी बूंदिया एर भुजिया बांटन सो की काम कोन करियो स्कूल में तो दिया राजपूत थोड़े बामणो बेटो बांटे तो स्कूल के मां हेडमास्टर को नहीं पियू देता के हुए मतलब हेडमास्टर को नहीं स्कूल में 100 ग्राम बूंदिया दे के वोट लिए आज तक गांव को कोई विकास कोन करियो 17 मास्टर बेटो बांटे तो है दो लख दा दी छेते कैमरे के साइड में आओ सब बातचीत करने को मौका मिलेगा भी मिलोगो सारू भी मिलोगो मैं थारू बात कर लियो एक मिनट इधर मीटिंग में युवा कौन है हम बहुत जोश है इधर देखो कौन एक आइडन पहलवान को सरपंच ने बार काटो के शाला का बोको करियो अठ बेटी का बाप सरपंच गांव में रहे ना आइडा आती थी के आइडा होते मार भगवान रोज रहे अब अठे ही तो सरपंच रहे अठे ही मैं बोल इया नहीं करनो चाहिए इया नहीं करनो चाहिए अच्छा अब हां थे बोलो बोरलाल जी 5 साल आए रबड़ की नहर लिया बा मान दे जे फिर अब वो आया मंत्री जी को थर नहर आन लाग रही मैं तो देखी को नहीं जय जी सर उन्हें मान तो नहर की ईंट दिखे को अब सर किसे नेपाल में है वो राजस्थान में वो अरे बंटे आने पकोड़ी बूंदिया चाहिए और अन की को चार नाम कोई मतलब कोनी आंसू का बूंद मिल जाए जीव ले तो चावे बंटेगा बे बांग ऊपर रगड़ता फिरा कान में बात के कह तू ही कह दे आगे होगे कान में क्या कह दे तू अच्छा देखो मेरी बात सुनो इधर पीछे इस साइड में मैं बोझा सर छोटा का नागरिक हूं मोहनदास स्वामी इसमें बात यही है कि ये तो युवा है युवा खून उबाल कर है तो
इनमें हमारे गांव का वोट है कम से कम कांग्रेस के वोट है। और देखो जलते भाई है ना, कुछ भी कहो, मैं देखो मैं समर्थन कांग्रेस का, मैं समर्थन कांग्रेस के दूंगा। सुनो मेरी बात, सुनो मानो मेरे को दबाव में आने वाला मंदा नहीं हूं मैं। मैं कांग्रेस हूं तो मैं कांग्रेस का गुणगान करूंगा, बीजेपी का वो बीजेपी करे। मेरे गांव में एक ही मांग है मात्र, सरकारों स्कूल की, इसमें टीचर नहीं है। वो तो है कोनी टीचर मारी स्कूल में, तो मैं तो देखियो कोनी। अच्छा थारो रुझान की कहानी है बीजेपी चार बार, रुको इतना समय वोट दे रहे हो, चार बार पिंचा ने हरा चुका, अब की बार के माहौल है? अरे आपका पीनिया ज्यादा है, ज्यादा है क्या? क्या मैं पीनिया क्या मजा नहीं मान लिया गाँव राम कांग्रेस आर एल पी देखो क्या बजा क्या गाँव को रुझान देखा, गाँव में कौन सी पार्टी आगे निकले? देखो आगे बात करो, गाँव में 200 वोट बीजेपी लीड दे रही है। अच्छा 200 वोट बीजेपी आगे निकलेगा, आगे निकलेगा गाँव के विकास के काम कराएंगे तो अशोक पिंचा जी करवाएगा। स्कूल में कमरा दिया, उसके चार साल के काम विपक्ष में होके भी स्कूल में काम करवाया, साल में काम करवाया हमारे दोनों गांव में, और गौरवे पथ भी करवाया हमारे गांव में अशोक पिंचा ने करवाया। यदि इस तरह भंवरलाल काम करवाता तो हमारे विकास का बहुत काम हो जाता। भंवरलाल ने एक भी काम नहीं, भंवरलाल जी बैठो आगे भाई जी बह हो रही हमारे, रुक गए तो बैर के भंवरलाल जी जीवता है अब तक मन्ने कोनी के भंवरलाल जी जीव तो अरे मुर्गियों में घोसना वोट दे दियो थे हकीकत में आगे कह यहाँ मन में है के भंवरलाल जी जीवता है। मैं कह मन में भी बात कर रही है कि एक बात को कह हमारे बापू जी लागे को नहीं चली हुई बापू जी कह नहीं, अरे मेरे कहने दे दियो, मेरे कहने दे दियो, ब्राह्मण को बैठो दे दियो, ब्राह्मण को दे कोई वोट तो आगे चीज है। देखो मेरी बात, मत चीज को दे, ड्रो का आदमी कोनी बात जड़े जड़े को मर रही है कहंग मारे रुक जी है कह के भंवरलाल जी को डरता नहर मांगी कोनी में मेरे नहर के लिए लेता मांग नहीं मैं कही कि तो नहीं ए बे रुक जी है सुनो कोनी कौन सा मेरे लिए कौन सुनो ये मेरे को कह सुनो गांव में अब रुको देखो हमने देखो रुको सब माहौल खराब मत करो आराम से रोको देखो सारी पार्टियों का माहौल एक साथ होंगे बातचीत सबसे होंगे आप बताइए हमने कोई डर के माहौल की कोई बात नहीं की हमने बात की है विकास की हम एक ही काम पे लड़ते हैं विकास हो अपने गांव में विकास का काम हो चाहे कौन सी भी पार्टी कराए पर विकास का नाम है तो अशोक पिंचा है इस गांव में विकास का नाम है तो अशोक पिंचा ही है। अब जो कांग्रेस की एक जनसभा हुई है अब अभी एक मिनट हाँ जी कांग्रेस की जनसभा हुई इनमें कितों फर्क पड़ेगा कांग्रेस का वोट आएगा या बीजेपी का टूटेगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस माहौल से बीजेपी को ही वोट आएगा कोई जिस तरह आप मारवाड़ी में बोल सकते हैं आराम से हिंदी नाम बोल तो मारवाड़ी बोलते भंवरलाल जी कौन डर ना मैं खड़ी हूँ मेरी बात सुनो भाई साहब आपको बात करनी है शिक्षा मंत्री 7 दिन पहले किया था कि 7 दिन पहले भंवरलाल जी को मेरे पास फोन आया था भंवरलाल जी को मरे 1 महीना हो गया 7 दिन पे जीवता है दीदी फोन आ रहा है की बात करे अशोक गहलोत की बात करे देखो मैं बताऊं ऐसे ही शायद मंत्री ले भिगना रहे कि भंवरलाल जी ने मरे 2 महीना हो गया आज सब ने ध्यान है तो 7 दिन पहले भंवरलाल जी फोन खटू करे सुरगोआ छोड़ो आदमी फोन करे गहलोत अशोक जी गहलोत 7 दिन मोटा मोटी बात यह आई है भाई साहब कि यहाँ तो बीजेपी का पूरा माहौल है बीजेपी निकलेगी यहाँ से और बीजेपी करवा सकती है कुछ कांग्रेस शिक्षा की नीति पर बीजेपी ही करवा सकती है कुछ अगर करवाएगी तो सब लोग जागरूक हो जाएंगे वो भंवरलाल जी डरता करे दबंग नेता हो स्कूल में स्कूल इधर गोविंद इन भरो भाई जी देखो अशोक जी पिंचा है सभ्य स्वभाव का आदमी है कोई भय नहीं है उसके प्रति किसी के मन में भय नहीं है क्यों भय करने वाला व्यक्ति नहीं है जो बात कहेगा साफ कहेगा सूत्र कहेगा जो कहेगा वो पूरी करेगा ये बात है ना झूठा वादा नहीं करेगा झूठा लोगों से झूठी तालियां नहीं बजवाएगा झूठी तालियां झूठे वादे कौन करता है ये बोलेगा वो पूरा तालियां और झूठे वादे कौन करता है झूठा झूठे वादे कौन कर रहा है अनिल जी अनिल जी कांग्रेस पूरी पार्टी करती है ये जो पप्पू है ना जो वीडियो वायरल हो रहा है आप देख रहे हो जो मतलब नहीं होना चाहिए वीडियो वायरल ऐसा वीडियो वायरल होना फोटो आई थी राहुल गांधी के लिए आपने देखी थी नहीं आपने तो नहीं देखा आपने देखा बता दीजिए दर्शकों के बीच फोटो आई देंगे बहन बेटी सब की एक है क्या दिक्कत है इसमें राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ना दीवा मत रहने की
चुम्मी लेते फटुआई रे लोही थी राहुल गांधी की किसी की बहन बेटी का अगर किसी की घर की इज्जत उछलेगी तो अच्छा लगेगा क्या? किसी की घर की इज्जत उछलेगी सोशल मीडिया में भी वो आंख मारते नजर आए, ये सब सोशल मीडिया अफवाह भी हो सकती है। यहाँ तो बीजेपी है, बीजेपी होगी और बीजेपी रहेगी, बीजेपी जिंदाबाद। और बोलो बीजेपी के, रुको बीजेपी, आप बीजेपी के छड़ी खा रहे हो, बीजेपी को वोट दे रहे हो, बीजेपी जिंदाबाद। बता हमें इस गांव में होने वाले दो चार कार्य बता दीजिए। कार्य देखो, कार्य ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि मैं एक हूं और आप दस आदमी हो, मैं एक हूं तो एक क्या करूंगा, एक को तो मरना पड़ेगा ना। कांग्रेस ने दे दी की कौन, वोट कांग्रेस को दे देते हैं। पिंचा तो जीता रहा ना, पिंचा है ना, सरकार ही नहीं थी। पिंचा करेगा और अब की बार करेगा, पिंचा करेगा और अब की बार करेगा, जरूर करेगा। चलो कुछ बुजुर्ग है युवाओं से सुना, रुको गांव के बुजुर्ग है, राम राम के थे। रुको सब के सब शांत हो जाओ एक बार, लड़िए पुलिस आ जाए। राम राम के नाम आपनो? गोपाल राम। अच्छा अब की बार के माहौल है गांव को आप गांव को के माहौल है? माहौल तो के बता दो आधा मुद्दा है वहाँ, युवा मुद्दा उठा रहे हैं स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में भी कोई इशो नेता है जो ने कहे हुए कोई अठकुना है नेता? अब भटबो कौन करा हो यार, वो काम कराओ। चलो राम 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 राम। क्या नाम है आपनो? मेरा नाम ओंकार दास। आपने गांव में क्या माहौल है अब की बार? माहौल घणो जोर को है। की को माहौल चाल रहे? माहौल बीजेपी को कांग्रेस को बराबर चाल। अच्छा आरएलपी का सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है जोरों शोरों गांव गांव में रैली निकाल रहे हैं, क्या माहौल है गांव में? रज्जी रो थे रज्जी गांव में आरएलपी को क्या माहौल है माहौल क्या पूछो रहे? चुनावी माहौल, चुनाव की कोई मार चेता है गाँव की समस्या बता दीजिए पहले तो बेटो, ये के माहौल पूछ है गाँव की समस्या बताओ नेतन तो रुको गाँव की समस्या बताओ पहले। समस्या एक तो हॉस्पिटल होना चाहिए मोटो, हॉस्पिटल बोलो मोटो होना चाहिए, तो बीकानेर यात्रा बिचारा बैठा कौन के फिरो तो हॉस्पिटल की बात आई। रुको एक हॉस्पिटल की बात आ गई, एक बात में एक मोटी स्कूल होनी चाहिए, स्कूल होनी चाहिए, फुल व्यवस्था होनी चाहिए। ए दोनों बात थे नेता का आगे बोली, हाँ बोली लिख कर दियो, कौन लिख के दियो, कौन मोटो मैं आपके है, कौन के नाम आपके है यार सापर जने लिख कर दे देते मैं कह भी ना छोड़ा हो गए तन को बिन कौन के जाओगे। चलो ये था गांव बोजासर छोटा का चुनावी रुझान, कैसा लगा अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं दर्शकों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, धन्यवाद।